ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के अंदर केंद्र सरकार क्यों चाहती है कि उनका कब्जा हो जाए। दिल्ली के अंदर बिजली देना दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम है, किस रेट पे देना वो सरकार का काम है। केंद्र उसके अंदर दखल देके क्या करना चाहता है, बिजली महंगी करना चाहता है, बिजली की सब्सिडी बंद करना चाहता है। इतने वर्षों से सब कुछ ठीक चल रहा था, क्यों अचानक एलजी साहब को ये लगा कि डीआरसी का चेयरमैन जो है केंद्र के कहने पे बने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक महीने पहले छुट्टियों में जाने से पहले कहा कि चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार डीआरसी के चेयरमैन को नियुक्त करेगी, मगर उसके बावजूद धोखा देके एलजी साहब ने एक नए चेयरमैन को नियुक्त करने की कोशिश की। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना और देश की सबसे बड़ी अदालत का अपमान बार बार एलजी साहब द्वारा किया जा रहा है, ये पूरे के पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाने वाली बात है।